चेक करो चेक करो नहीं पक्का चलिए ठीक है, LIC पे जरा अविनाश जी की राय ले ली जाए। अविनाश जी देखिए सुमित जी भी LIC रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, आप तो करो। नहीं अनिल जी देखिए आप काफी लोगों की यू नो पेन पॉइंट पे हाथ लगा रहे हैं क्योंकि LIC ने यू नो लिस्टिंग पे सबको डिसअपॉइंट कर दिया, बट मुझे लग रहा है कि देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है वो LIC है, तो LIC हाउसिंग अगर बढ़ती है तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा अबाव इफेक्ट पेरेंट को भी मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से लोगों को अभी कंप्लीटली होप LIC में छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए ये स्लो मूवर जरूर है लेकिन जिस प्रकार के इनके फाइनेंशियल्स है, हमने सुना है कि 15 जून को शायद इनकी बोर्ड मीटिंग है, तो एटलीस्ट एक जो कैरेट आने वाला है वो बहुत ही दमदार और बढ़िया डिविडेंड आएगा, तो मेरे ख्याल से उसके बाद देखेंगे LIC का यू नो क्या ग्रोथ कमेंट्री है, मैनेजमेंट क्या यू नो आउटलुक शेयर करती है, तो तब तक मेरे ख्याल से शेयर में एक स्लो मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली LIC में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम समझते हैं जिनको पैसा लगाना है और जो थोड़ा पेशेंस रखते हैं उनको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा विकल्प है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा विकल्प है LIC। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए कॉल आई है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, UPL पर भी